आर्म्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 11th क्लास के ड्राइंग के एक चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, परंपरागत चित्र शैलियां। चित्र शैलियों के नाम से ही आपको पता होगा, एक तो परंपरागत और दूसरा आधुनिक। परंपरागत चित्र शैलियों से तात्पर्य यह है, क्लास में उस जो वीडियो बन रहा है वो हिंदी का, बाद में ट्रेडिशन ट्रेडिशनल जिसे कहते हैं। ट्रेडिशनल का तात्पर्य यह है कि परंपरागत या प्राचीन, इसका अगर पर्यायवाची शब्द हम देखें तो प्राचीन यानी पुरानी। ट्रेडिशन में क्या था कि लोक कलाकारों का साथ में 12 मासा के कृष्ण और राधा के चित्र या उनकी भाव भंगिमाओं और उनकी रास लीलाओं का वर्णन करना, ये प्राचीनतम चित्र शैलियों में आता था। उस समय क्या होता था कि गांव के दृश्य, दूसरा प्रकृति का वर्णन, तीसरा संस्कृति, चौथा जानवर व पशु पक्षी। परंपरागत चित्र शैली थी जो प्राचीन समय की चित्र शैलियां थी, उनमें किन का वर्णन मिलता था? गांव के दृश्य, सीन ऑफ विलेजेस, प्रकृति का वर्णन, डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचर, संस्कृति, कल्चरल, कल्चरल मीन्स उनमें डांस करते हुए या नाचते हुए उन कलाकारों को दिखाया गया, उनकी पोशाकें कैसी थी उसका वर्णन किया गया, फेस्टिवल्स के बारे में था, त्योहारों के बारे में वर्णन था कि लोग उस समय त्योहार कैसे मनाते थे, ये उन चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया था। वो दक्कनी चित्र शैली हो या दीवारों के ऊपर जिनका वर्णन हो, इस तरह के जानवर एनिमल्स के साथ में बर्ड्स के और पशु पक्षियों के इसमें चित्र दिखाए गए थे। साथ में गांव के दृश्यों में ये सारी चीजें मूलभूत तरीके से आती थी और उन्हें चित्रों के माध्यम से दर्शित या दिखाया जा रहा था। ये तो परंपरागत चित्र शैलियों का था। अब आधुनिक चित्र शैलियों में क्या था कि आधुनिक समय की जो चित्र शैलियां थी, धीरे धीरे वो लोग नजदीक आए दूसरे कलाकारों के या उन चित्रकारों के, तो उन्होंने पश्चिमी जिसे पाश्चात्य कहते हैं, उन कलाकारों के संपर्क में आए, तो उन्होंने इन चित्रों को ज्यादा बनाना या मूर्तियों को बनाना जिनमें कम कर दिया था। तो वो किसके थे? वैश्वीकरण के, जिसको इंग्लिश में हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन का तात्पर्य ए पर्टिकुलर कंट्री इज टू बी स्प्रीड द बिजनेस विथ अदर कंट्रीज टू MOU एग्रीमेंट, यानी एक देश दूसरे देश के साथ में अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने की लालसा रखता है, कोशिश करता है और अपने व्यापार को बढ़ाता है, उन्हें हम वैश्वीकरण की नीति कहते हैं या जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। एक देश दूसरे देश के साथ संपर्क में आए तो जाहिर सी बात है कि वहां के कलाकार, मूर्तिकार, चित्रकार, उनसे भी उनका मिलना हुआ, आदान प्रदान हुआ, तो लोगों ने इस तरह के
ये चित्रकारों ने क्या किया या मूर्तिकारों ने क्या किया, इस तरह के चित्र बनाना बंद कर दिया था। लेकिन शुरुआत उनसे की कि नई नई संपर्क की चीजें आई। फॉर एग्जाम्पल उनका मूर्तन कैसा था, स्वतंत्र था, स्वतंत्र तरीके का। अब स्वतंत्र तरीका कौन सा था कि उन्होंने इन बाउंडेशन से हटकर इस तरह के चित्र या मूर्तियां बनाने के बजाय किस तरह के बनाना प्रारंभ कर दिया, नए नए या आधुनिक तरीके के। अब आधुनिक तरीके के कौन कौन से थे, इनमें तो कुछ बाउंडेशंस थी, बाउंडेशन मींस टर्म्स कंडीशंस थी, उनके नियम थे कि इस तरह की चित्र बना सकोगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, आधुनिक तरीके वालों ने, कि नए नए चित्र बनाने प्रारंभ कर दिए। अब वो नवीनता किस तरह के लिए हुए थी, फॉर एग्जाम्पल एक तो नेचर के, नेचुरल, जिनमें पहाड़ों के, माउंटेन्स एरिया के, सीज एरिया के, समुद्र के इलाके के, साथ में जमीनी सतह के वो चित्र जिनमें ऑक्स एंड मेडोज जिन्हें कहें आप, घास के मैदान, उनके चित्र दिखाए गए, साथ में जानवरों को इन ऑक्स एंड मेडोज में चारागाह के रूप में विचरित करते हुए, विचरण करते हुए दिखाया गया। साथ ही इन चित्रकारों ने एक कार्य और किया कि फेस्टिवल्स, इन त्योहारों का वर्णन इस तरह से किया कि उन चित्रों को दिखाने के साथ में एक नवीनता प्रदान लिए हुए थे। जैसे पुराने में तो लंबी कदकाठी के लोगों को दिखाया गया था, ट्यूरबेन दिखाई गई थी, उनके पगड़ी बंधी हुई दिखाई गई थी, महिलाओं को सुंदर वस्त्रों के साथ में दिखाया गया था। अब इन नए चित्रों में क्या था कि आधुनिकता लिए हुए वो घाघरे का वर्णन, ओढ़नी का वर्णन, लंबी कदकाठी के लोग धोती बांधे हुए, चोगा पहने हुए या पगड़ी बांधे हुए, ये चित्र इनमें नहीं दिखाए गए जो आधुनिकता के साथ में थे। उनमें कुछ नवीनता लिए हुए, नए रंग रूप के साथ उनके ट्रेडिशन बदल गए, यानी कपड़े हैं जैसे सूट वूट में दिखाया गया, उनको नए कपड़े पहने हुए दिखाया गया। जैसे एक मूर्ति प्राचीन समय की तो बनाई हुई थी कि पुरानी थी, अब नवीनता लिए हुए कौन सी थी, जैसे स्टेचू ऑफ लिबर्टी, वो नवीनता लिए हुए थी। उस तरह की मूर्तियों का इसमें वर्णन किया जाने लगा, नई नई चीजें दिखाई गई। फिर है स्वतंत्र विचारों का वर्णन, चित्रों को भित्ति चित्रों के माध्यम से, भित्ति चित्र चाहे वो दक्षिणी शैली के हो या दूसरी शैली के हो, भित्ति चित्र का मीन्स यह है कि दीवारों के ऊपर उन चित्रों को उकेरा जाने लगा, दिखाया जाने लगा कि इस तरह के चित्र आपको सिनॉप्सिस में दिखाए गए हैं। अब उनका नाम बदल जाने लगा, पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट जैसे पहले कहते थे तस्वीर, अब कहते थे पोर्ट्रेट। अब पोर्ट्रेट क्या होता है, तस्वीर को ही कहा जाता है, लेकिन उसमें क्या थी, नवीनता थी, पुरानी तस्वीरों की तरह नहीं थी, कोई नए रंग रूपों के साथ में उन्हें दर्शित किया जाने लगा। पहले क्या था, हल्के रंग प्रयोग किए जाते थे, चटक रंगों का प्रयोग नहीं होता था या गहरे रंगों का प्रयोग नहीं होता था। फिर नवीन जो फोटोज थी, पोर्ट्रेट थे, उनमें किन का, नए जैसे हरे, नीले, पीले या जामुनी, इस तरह के रंगों का ज्यादा प्रयोग दिखाई देने लगा। साथ ही आधुनिक शिक्षा संस्थानों का वर्णन, नए जो फोटोज थे, मूर्तिकार थे, फोटोग्राफर थे, उन्होंने क्या किया, नए
रंग रूप या नए जैसे न्यू बिल्डिंग्स हैं, हरियाली दिखाई हुई है, उसमें नए शिक्षण संस्थान हैं, जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनके चित्र अपने आधुनिक जो चित्रकलाओं का उन्होंने वर्णन किया, उनमें काफी तादाद में या ज्यादा मात्रा में दिखाई देने की कोशिश की गई। साथ ही अपने मनोभावों का वर्णन, परंपरागत जो चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, वे क्या थे, किस तरह के, कि उन्होंने परंपरागत चीजों का ही वर्णन ज्यादा किया। जैसे चूल्हे को दिखाया गया, रोटी बनाते हुए महिला को दिखाया गया, महिलाएं एक जगह बैठी हुई हैं, कुछ कोई फेस्टिवल है या कोई समारोह, उसमें गीत गा रही हैं, ऐसे चित्र दिखाए गए। तो आधुनिक जो चित्रकार थे उन्होंने अपने मनोभावों का वर्णन ज्यादा मात्रा में किया। जैसे जिंदगी की भागदौड़, जिंदगी की भागदौड़ किस तरह की थी कि लोग अपने नित्य या रूटीन वे में जो वर्क करते हैं उन्हें प्रमुखता से दिखाया गया कि व्यक्ति को समय नहीं है। परंपरागत में तो काफी समय दिखाया गया, लेकिन आधुनिक जो चित्र कला थी या जो मूर्ति कला थी, उसमें भागदौड़ भरी जिंदगी को ज्यादा दिखाया गया। लोग क्या है, डेली रूटीन के काम कर रहे हैं और उनके पास समय का अभाव है, इस तरह के चित्र इनमें ज्यादा दिखाए गए। फिर स्त्री पुरुषों का वीरता के मूर्त रूप को कम दर्शाना। प्राचीन जो समय के चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, उन्होंने वर्णन तो इस तरह का किया कि परंपरागत तरीके के चित्र बनाए, उसमें आखेट के चित्र ज्यादा दिखाए, यानी शिकार करते हुए चित्र ज्यादा दिखाए, जानवरों के चित्र ज्यादा दिखाए। एक कोई शिकारी है, वो किसी शिकार के पीछे दौड़ रहा है, तो भाले को लेकर या तीर कमान को लेके इस तरह के चित्र ज्यादा थे। या मूर्तियां इस तरह की थी कि शिकार के पीछे भाग रहा है। लेकिन आधुनिक चित्रकला के थे या मूर्ति कला के थे, उनमें इस तरह के चित्र ज्यादा नहीं थे कि शिकार करते हुए, आखेट करते हुए उन चित्रों को ज्यादा दर्शित किया गया है या दिखाया गया है। उनमें तो ज्यादातर कौन से थे कि फ्लैपिंग किए हुए लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं और किसी शादी समारोह में खड़े हैं, इस तरह के चित्र ज्यादा दर्शित किए गए। साथ ही आप जब इन चित्रकारों के जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे या उनके बारे में पता लगाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि इन बुक्स में उनके जो सहपाठी थे, साथ में रहने वाले जो चित्रकार थे, वो आपस में बात किया करते थे इस तरह की कि वर्तमान समय में वो जो चित्र शैली बदली है या मूर्तिकला का उद्भव और विकास हुआ है, उसमें क्यों न समन्वय स्थापित कर दिया जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन चित्रकारों ने या मूर्तिकारों ने समन्वय की भी बात की, जिसे हम बैलेंस कह सकते हैं। बैलेंस का तात्पर्य यह है संतुलन बिठाया। प्राचीनतम दृश्यों को तो दर्शाया ही, लेकिन आधुनिक दृश्यों को भी दर्शाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि अपने मूलभूत आधारभूत जो फाउंडेशन था उसको तो भूले नहीं, लेकिन उनमें नवीनता प्रदान कर दी। यानी समन्वय का अर्थ यह है कि प्राचीन चित्र व मूर्तियां बनाने के साथ साथ में क्या किया कि
की फाउंडेशन के साथ साथ उन्होंने आधुनिकता प्रदान की। मॉडरेटेशन किया गया, मॉडरेटेशन किस तरह से कि ग्रामीण अंचल के लोगों को दिखाया तो गया है, उनके साथ साथ शहरी क्षेत्र के लोगों को भी दिखाया गया, जो बिग सिटीज हैं, बड़े बड़े शहरों के लोग हैं, उनके साथ में उनका ज्यादातर वर्णन किया गया। साथ ही स्त्रियों की सुंदरता, स्त्रियों की सुंदरता से तात्पर्य यह है जैसे बारहमासा श्री कृष्ण के, रासलीला के, शिव पुराण के जो दृश्य या महाभारत के जो दृश्य दिखाए गए प्राचीनतम चित्रों में या मूर्तियों में, तो वो इस तरह के थे कि महिलाओं को बहुत ज्यादा सुंदर दिखाया गया, उनके परिधान या उनके कपड़े आकर्षित करने वाले, आंखों को आकर्षित करने वाली दिखाया गया, साथ में जो पुरुष थे उनके जो चित्र या मूर्तिकला के जो मूर्ति शिल्प दिखाई गई उनमें क्या थे कि पुरुष हैं उनको लंबी कदकाठी की दाढ़ी के साथ में, ट्यूरबेन के साथ में यानी पगड़ी के साथ में दिखाया गया, लंबा जो चोगा पहने हुए, इस तरह के चित्र थे। अब नए में दिखाया गया ना तो उसमें स्त्रियों की सुंदरता का तो वर्णन किया गया लेकिन प्राचीन परिधान है उन्हें कम दिखाया गया। उन प्राचीन परिधानों के साथ साथ उन्हें ये ऐसे लगता था कि वर्तमान समय के ये जो चित्र हैं वो परंपरागत दृष्टिकोण के जो चित्र हैं उनसे भिन्न प्रकार के हैं। अब इसमें जीवन शैली का जो वर्णन था उनमें डेली रूटीन यानी नित्य जीवन शैली का जो वर्णन मिलता है उनमें भी पर्याप्त मात्रा में इस तरह के थे कि भागदौड़ से संबंधित या रोजाना जो लोग काम पर जाते थे डू फॉर वर्क उनको ज्यादा तौर तरीकों के साथ में अभिव्यक्त किया गया, दिखाया गया। लोगों की एक्सप्रेशन जिन्हें हम मनोभाव कहते हैं, चित्रकारों ने अपने अंदर की जो पराकाष्ठा थी या अंदर जो उनमें समन्वय या वर्तमान समय की स्थिति को दर्शाना था तो वो किस तरह के एक्सप्रेशन के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से दर्शाते थे। साथ में मूर्तियों में एक नए आकर्षण के साथ में उन्होंने मूर्तियां बनाई, चित्र बनाए, तो वो ये दर्शित करते थे कि वास्तव में ये चित्र हैं या जो मूर्तिकार हैं वो अपने आप में एक नई भाव भंगिमाओं को लिए हुए थे। अब इनमें बार बार एक नाम आता है, एक तो बारहमासा, नंबर दो शिव पुराण, नंबर तीन महाभारत। रासलीला भक्तिमय, श्री कृष्ण व राधा,
चित्रों में या मूर्तियों में राधा और कृष्ण के बारहमासा के चित्र या मूर्तियों से रिलेटेड उनके उनका वर्णन इन चित्रों में तथा इन मूर्तियों में ज्यादा मात्रा में किया गया। शिव पुराण शिव की महिमा का वर्णन इन चित्रों में या मूर्तियों में ज्यादा मात्रा में किया गया। शिव के बारे में या शिव की स्तुति के बारे में या उसके पराकाष्ठा भक्ति के बारे में वो इन मूर्तियों में या इन चित्रों में परंपरागत तरीके से किया गया। महाभारत, अब महाभारत के चित्र किस तरह से दर्शाए गए कि युद्ध के समय की विभीषिका और युद्ध से रिलेटेड वो फोटोज चित्र तथा मूर्तियों में उनका मान मर्दन किया गया। किस तरह के कि एक जगह दूसरी सेना डटी हुई है एक जगह पर और दूसरी तरफ दूसरी सेना डटी हुई है। रथ है उसको कृष्ण है वो सारथी बना हुआ है, अर्जुन है वो तीर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए कौरवों की तरफ, कौरवों और पांडवों के युद्ध का इसमें महाभारत में वर्णन किया गया है कुरुक्षेत्र के उस मैदान में। रासलीला, अब रासलीला से रिलेटेड कौन से कि कुछ फोटोज इस तरह की हैं जो भगवान श्री कृष्ण तथा राधा की उन चित्रों के माध्यम से दर्शित किया गया है कि वे रासलीला कर रहे हैं या खेतों में या बाग बगीचों में आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। इस तरह के चित्र या मूर्तियां इनमें दर्शित की गई हैं। अब वो भक्तिमय मीरा की जैसे भक्ति है, सूरदास का अनन्य प्रेम है श्री कृष्ण के बारे में, रस खान का है, बिहारी की सतसई है जिसमें 700 दोहे हैं, उनका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? इन परंपरागत चित्र शैलियों में तथा अनुकृत नवीनता लिए हुए मूर्तियों में। कहने का तात्पर्य यह है कि धार्मिक तौर तरीके की या धार्मिक प्रवृत्ति की इन भाव भंगिमाओं का वर्णन या साहित्य के बारे में या पुराणों के बारे में हमें देखने को जो ज्यादा मात्रा में मिलता है वो इन चित्रों पर या साथ में जो मूर्तिकला का विकास हुआ उनमें इन काफी मात्रा में इन चित्रों को दर्शित किया गया और दिखाया गया। पर्यावरण, दूसरे प्रकार के चित्रों में परंपरागत तरीकों में पर्यावरण से रिलेटेड एनवायरनमेंट से रिलेटेड चित्र ज्यादा दिखाए गए या मूर्तियों में भी कई बार वर्णन किया गया। इस तरह के कि पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं, घास के मैदान हैं, साथ ही पेड़ पौधों को दर्शित किया गया है, पशु पक्षी हैं वो विचरण कर रहे हैं, इस तरह के पर्यावरण से रिलेटेड। सांस्कृतिक विरासत से, अब सांस्कृतिक विरासत से कौन से कि लोग ट्रेडिशन के साथ में त्योहार मना रहे हैं, महिलाएं हैं वो कहीं गीत गाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो शादी समारोह के चित्र इस तरीकों में परंपरागत के तौर तरीकों में दिखाए गए। राजमहल का वर्णन, पैलेस महल का वर्णन राजघराने से संबंधित जैसे राजाओं के चित्र हैं
राजकुमारों के हैं, रानियों के हैं, या उनके शयन कक्ष का दृश्य, या फिर जहां उनकी सभा आयोजित हो रही है महल में, उस सभा का वर्णन, मंत्री बैठे हुए हैं, कुछ सलाहकार हैं, राजा खुद बैठे हुए हैं, और साथ में प्रजा के कुछ चुने हुए प्रतिनिधि भी वहां दिखाई दे रहे हैं। छत्रियां, अब छत्रियों में इस तरह का वर्णन कि उनके ऊपर कुछ अच्छे तरीके की कलाकृति की हुई वो फोटोज दिखाए गए, हल्के रंगों का प्रयोग किया गया है। साथ ही बादलों के बीच में कड़कती हुई बिजली को दर्शाया गया है। इन छत्रियों के ऊपर कुछ इस तरह के चित्र अंकित किए गए हैं। कुएं व बावड़ियों के जो परंपरागत जल स्रोत हैं, प्राचीनतम जो ट्रेडिशनल है, जो लोग वहां से पानी, जैसे बरसात के पानी को इकट्ठा करने का, या जहां पे पानी इकट्ठा रहता था, उन जगहों के कुएं और बावड़ियों के जो अपने आप में परंपरागत जल स्रोत हैं, उन्हें भी इन चित्रों के माध्यम से दर्शित किया गया है, दिखाया गया है। और वो इस तरह के कि लोग हैं, पानी भर रहे हैं, महिलाएं पानी भर रही हैं, और अपने जो परंपरागत जल पात्र हैं उन्हें इन महिलाओं को जाते हुए दिखाया गया है, और इन कुएं और बावड़ियों से पानी खींचते हुए ऐसे चित्र परंपरागत चित्र शैलियों के माध्यम से दर्शित किया गया है। थैंक यू।